हमास दुनिया का एक ऐसा खतरनाक आतंकी संगठन है जो न सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के नीचे भी ऑपरेट करता है। धरती के नीचे हमास का एक अलग पाताल लोक है जहां तबाही के प्लान रचे जाते हैं और जहां से आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है। आतंक के उस हेडक्वार्टर में जब कैमरा गया तो हमास का वो पूरा रहस्य लोक सामने आ गया जो अब इसराइल की बमबारी के निशाने पर है। हमास ने इसराइल पर हमला करने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल कैसे किया, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। युद्ध का डे 10, हमास के हेडक्वार्टर का द एंड। सुरंगों को बनाया ढाल, गाजा पर मंडराया कार। युद्ध की अंडरग्राउंड दुनिया, कैमरे पर खुलेंगी सारी कड़ियां। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. जिस इसराइल ने 1967 की लड़ाई को महज 6 दिन में जीत लिया था, जिस इसराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, जिसकी खुफिया एजेंसी के नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं, वो युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमास और उसके आतंकियों को खत्म नहीं करता। इस लड़ाई में दुनिया ने युद्ध के नए नए तरीके देखे। एक अदृश्य हथियार ऐसा है जो इसराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और इस चुनौती का नाम है सुरंग, जिनके जरिए ऑपरेट करता है हमास। वो सुरंगे जिनका सिरा खुलता है हमास के हेडक्वार्टर की ओर, जिनका जाल हमास ने गाजा पट्टी के नीचे बिछा रखा है। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, यानी ये शहर 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीब 20 लाख की घनी आबादी है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने की और खाने के अलग है। ऊपर से देखने पर यहाँ किसी आम शहर की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखते हैं, लेकिन गाजा की जमीन के नीचे आतंकी एक अलग ही दुनिया है जहां हमास के आतंकी रहते हैं। लेकिन ये सुरंग कहां कहां तक फैली, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, और क्या इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकियों ने इसराइल के नागरिकों को बंधक बना रखा है, क्योंकि यही वो सुरंगें हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रखा है। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमले के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया। हमास ने गाजा पट्टी से लेकर इसराइल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सुरंगें बनाई हैं। ये सुरंगें जमीन के नीचे कई मीटर तक नीचे होती है ताकि हमास की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नजर ना पड़े। हमास का दावा है कि उसने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जो इसराइल तक जाती हैं, और इन्हीं सुरंगों की वजह से इसराइल गाजा पर जमीनी हमला करने से बच रहा है। अगर आप इसराइल और गाजा का बॉर्डर देखेंगे तो ये गाजा पट्टी से उत्तरी दिशा में और साथ ही साथ उत्तर पूर्व, पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व, इस तरह से लगभग पूरे 180 डिग्री में आपको इस तरह की सुरंगों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। गाजा के अंदर इन सुरंगों का नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर तक फैला है। ज्यादातर सुरंगें गाजा के घने इलाकों में, जिनके एक्सिस पॉइंट कई बार स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और सिविलियन बिल्डिंग्स होती है। हमास जानबूझकर ऐसी जगह चुनता है जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले की आशंका कम हो, क्योंकि इन जगहों पर सुरंगों को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। हमास ने जो सैकड़ों सुरंगें गाजा पट्टी से इजराइल पहुंचने के लिए बनाई हैं, उन सुरंगों का एक्सेस पॉइंट्स चालाकी से काफी सूझबूझ के बाद में कई स्कूलों और अस्पतालों के पास बनाया है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल और अस्पताल ऐसे दो ठिकाने होते हैं जो कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार, बंकर कमांड सेंटर और गोला बारूद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है। एक वक्त गाजा और मिस्र के बीच 2500 सुरंगें थी। 2021 में इसराइल ने दावा किया था कि उसने हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें तबाह की। तब हमास ने कहा था ये उसकी कुल सुरंगों का 5% तक नहीं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले के लिए इतनी संख्या में रॉकेट लॉन्चर इन्हीं सुरंगों के जरिए मोबिलाइज किए, जिनकी भनक मोसाद को भी नहीं लगी।
गाजा पट्टी से इसराइल तक फैली सैकड़ों सुरंगें ही हमास की सबसे बड़ी ताकत है। 7 अक्टूबर को जो इसराइल पर कई ठिकानों पर हमले किए गए, हमास के आतंकी उन हमलों के लिए इसी तरह की सुरंगों से ही इसराइल की जमीन पर घुसे थे। ये सुरंगें सतह से 30 मीटर नीचे होती और पहचान बचाने के लिए घरों, मस्जिदों, अस्पतालों, स्कूलों के निचले हिस्से में इसका एंट्री पॉइंट होता है। सुरंगों में बिजली और पानी का इंतजाम होता है, जहां आसानी से आप घूम सकते हैं। इसराइल का दावा है कि ये सुरंगें हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय मदद के पैसे से बनाई जो गाजा में तबाह हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए भेजी गई। दरअसल एक टनल के लिए 350 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई लगती है। इतने मटेरियल में 86 घर, 7 मस्जिदें, 6 स्कूल, 19 मेडिकल क्लिनिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमास की सारी मदद सुरंग बनाने में खर्च कर देता है। एक सुरंग की लागत $30 लाख यानी 25 करोड़ के करीब आती है। अगर आज आप देखें 10 दिन बाद भी युद्ध के शुरू होने के इजरायली फोर्सेस अंदर नहीं जा पा रही हैं गाजा पट्टी में, उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक ये सुरंगें हैं। इन सुरंगों का पता लगाने के लिए इजरायली सेना ने एक स्पेशल यूनिट भी बना रखी है जिसका नाम है यहोम यूनिट। लेकिन इस यूनिट के सामने चुनौती यह है कि इन सुरंगों में दुश्मन है और उसकी ऊपरी सतह पर आम लोग। इजरायली सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी करती है। इससे ये सुरंगें तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये सुरंग नहीं, हमास का बनाया वो चक्रव्यूह है जिसे भेदने की कोशिश इसराइल की सेना पिछले 2 दशक से कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।